हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट आज फ्रेम में आपको जो कार दिख रही है ये एक स्पेशल कार है आपने बिल्कुल ठीक पहचाना ये है टर्बन ट्रैवलर की वो कार जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड घुमा जा चुका है स्पेशली दिल्ली टू लंडन ले जाया जा चुका है और आज हमारे साथ हैं इनके ओनर अमरजीत सिंह जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर सब तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू तो साढ़े चैनल पर एक बार कहें तो सर इन दूरों इतने आयो जिमें कि गड्डी को हर कोई पहचानदे है तुनू हर कोई पहचानदा है लेकिन इससे हम एक इंस्परेशन एक, एक मिलती है उन लोगों को जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं बाय रोड जो रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो सर ये जो थाट था ये सबसे पहले आपके माइंड में कब आया और मतलब तो इसके पीछे का मोटिव क्या था इसका एम क्या था आपका एम था ये ड्रीम्स ये मेरा बचपन का ड्रीम था जब मैं बचपन का थी मैं यंग था मैं 19-20 साल का था तो मैंने ड्रीम कंसीव किया ठीक है और तब ये था कि मुझे सारी दुनिया जो है वो मोटर बाइक से घूमने की है तो मैं मोटर बाइक चलाता था अच्छा आ, पर अनफॉर्चुनेटली वो जो आप सोचते हो ज़रूरी कि हर चीज़ पूरी हो जाए तो उस वक्त वो नहीं पूरा हो सका आ, तो मन में कहीं ना कहीं था आप पहले मोटर बाइक से आप जाना चाहते थे इंटरनेशनल हाँ, पहले मोटर बाइक से जाना चाहता था ठीक है सर तो मन में कहीं ना कहीं था कि कभी एक समय आएगा जिस वक्त मैं सारी दुनिया अपने व्हीकल से घूम सकूंगा तो व्हेन आई बिकेम 58 फिफ्टी तो मैंने बिजनेस से एक्टिव रिटायरमेंट ली और फिर उस वक्त ये था कि जब बकेट लिस्ट बनाई तो सबसे ऊपर लिखा कि मुझे ट्रैवल करना है सारी दुनिया अपनी कार से अब मोटर बाइक वाली उम्र तो रही नहीं ठीक है सर सो बाइक की बजाय कार हमने डिसाइड की एंड आई फुलफिल माई ड्रीम तो ये एक पहली अचीवमेंट थी और जब कोई आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हो तो फिर आपके गोल्स वो फिर बढ़ जाते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि है। तो जब मैंने ये किया तो पहले यहाँ लिखा होता था तेईस हजार किलोमीटर यहाँ लिखा होता था डेली टू लंडन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड किलोमीटर अब ट्वेंटी थ्री थाउजेंड से फिर दो लाख किलोमीटर हो गया तो अब ये है कि मुझे पाँच लाख किलोमीटर करने हैं और एक सौ सत्तानवे कंट्री हैं पूरी दुनिया में मुझे वो पूरे करने हैं अच्छा तो सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये दो लाख किलोमीटर इसी कार से चलाए गए हैं राइट हाँ इस कार से मैं दो लाख सत्तावन हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ ये टोयोटा की फॉर्चूनर है जिसे सर ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको लेके गए हैं सर कहाँ कहाँ लेके गए हैं फिंगर टिप्स में एक फटाफट एक लिस्ट हो जाए फिंगर बहुत लंबी लिस्ट है दिल्ली से लंडन जब मैं गया तो मैंने तीस कंट्रीज़ करे उसके बाद छः नेबरिंग कंट्रीज़ करे और इस कार से थर्टी सेवन कंट्रीज कर चुका हूँ वैसे मैं एट्टी सेवन कंट्रीज घूम चुका हूँ अच्छा दिल्ली टू लंडन का एक हाँ, एक वो वो एक स्ट्रेच था वो तीस कंट्रीज थे अच्छा उसके उसका बाद सर एक नम, नेम फटाफट आ, नेम मैं हम दिल्ली से नेपाल गए तो नेपाल के बाद फिर हम लोग गए टिबेट और चाइना हमने किया जी। और उसके बाद किर्गिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान रशिया रशिया से फिर बाल्टिक कंट्रीज जो थे लैटविया लुथवेनिया और एस्टोनिया वो करे उसके बाद फिर ऊपर गए फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थे वो करे अच्छा उसके बाद वहाँ से आए जर्मनी जर्मनी से बेल्जियम बेल्जियम से लेंसेज साइन होते हुए फिर वापस जर्मनी सारा क्रॉस करके ईस्टर्न यूरोप जो था वो सारा किया चेको कियावाया वो किया उसके बाद नीचे आए पोलैंड आए हंगरी आए और सलवेनिया स्लवेकिया ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड इटली पॉचुगल और फ्रांस करते हुए फिर पहुँचे हम लंदन तो तकरीबन तीस कंट्री थे ही है सो so फाइनली हम लोग लंडन पहुंच गए हैं बात करने में ही दो मिनट लगे हैं कम से कम आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने में एटलीस्ट दो मिनट लग गए या एक डेढ़ मिनट लग गया ट्रैवल करने में कितनी इश्यूज आए होंगे कितनी चैलेंजेस आए होंगे सर चैलेंजेस हर चीज़ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं हाँ। पर मैं जो चीज़ आए अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आके चली जाती है तो मैं उसको चैलेंज नहीं मानता हूँ वो आया और चला गया तो मैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं मानता हूँ ठीक है जो चीज़ का कोई सलूशन ना हो बट सर उस पर्टिकुलर टाइम उस चीज़ को फेस कर रहे हैं वहां तो आ, एक बार बंदा थोड़ा फेयर माइंड में आई जाता आ, है ऐसा नहीं है ऐसा होता नहीं है डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप कैसे लेते इंडिया हाँ actually, जब, जब जब जिसने कोई भी टूर किया नहीं होता तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पता नहीं क्या होगा बहुत अब एक हवा सा होता है लेकिन जब आप एक चीज़ अचीव कर लेते हो मेरे हिसाब से तो जब आप पहला बॉर्डर जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जब आप वो पहला बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो तो आपका मन का जो नाइन्टी परसेंट जो वहम है और जो डर है वो ख़त्म हो जाता है तो उसको तब आपको ये लगता है कि अगर आप ये क्या तो कुछ, कुछ भी नहीं बड़ा आराम से लगा स्टोरीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें बहुत ब्रीफ में छोटी छोटी कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपको लगा हो कि कुछ इंटरेस्टिंग है जो शेयर करने वाली हैं स्टोरीज तो बहुत सारी हैं पहला तो जब हम चाइना गए तो हमारा एक एक्सीडेंट हुआ अच्छा गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया सुबह का टाइम था तो गाड़ी स्पिन हो गया ऐसे बिल्कुल एज पे आके खड़ी हो गई यहाँ पर नीचे कोई तकरीबन हज़ार फुट गहरा घड था अच्छा तीन सौ मीटर के करीब होगा मेरे ख्याल से वो तो वो खड था तो वहाँ ऐश में आ गई गिरते गिरते बची आ, पर बीस मिनट के बाद हम लोग हमें किसी ट्रक वाले ने हेल्प की वो गाड़ी का हमने पट्टे लगा के खींच के हम उसको सड़क पे ले आया और टायर भी चेंज कर दिया तो 20 मिनट के अंदर अंदर वी वर बैक ऑन द रोड राइट और उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि आ, ये नहीं आया कि ये क्यों हुआ बल्कि ये मन में आया कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ और भगवान ने हमें बचाया अगर वो गाड़ी गिर जाती खड़ में गाड़ी को डैमेज हो जाती हम तो लोगों तो को वो... चोट आती कोई मरमरा जाता तो सारा ट्रिप ख़त्म था ट्रिप खत्म था तो पहला एक्सीडेंट वहाँ हुआ दूसरा एक्सीडेंट हुआ ऑस्ट्रिया से जब मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा था तो मुझे रास्ते में नींद आ गई नॉर्मली जो मेरे कैमरा मैन है वो दो मेरे साथ दो कैमरा मैन थे वो पीछे बैठते थे मैं आगे ड्राइव करता था तो वो उस दिन कुदरती वो लड़का आगे बैठा हुआ था और उसको मैंने बोला कि मेरे को ना नींद आ रही तो हम लोग कहीं रोकते हैं वो मेरे मुंह में बात ही थी अचानक मेरे को झपकी आ गई और गाड़ी जाके राइट साइड जो था उसका वो जाके लगा वहाँ पर रेलिंग के साथ अभी भी वो निशान पड़े हुए है गाड़ी हैं गाड़ी के ऊपर पर हाँ सो so, ये निशान है ये देखो आप ये निशान ये यहाँ से लेकर और ये इधर जो ये पर्टिकुलर निशान है ये ये, जो ये ये निशान जो है अच्छा ये इस पर टच हुई और टच होते ही आ, आ वापस मे, मेरे को नींद हाँ। खुल गई तो मैंने स्टेरिंग पकड़ लिया और चार पाँच किलोमीटर के बाद ही फिर जो था वो एक स्टॉप आया हमने वहाँ गाड़ी रोकी अच्छा और रोकने के बाद फिर मन में वही चीज़ आई कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ अगर ये गाड़ी वो लड़का जो आगे बैठा था नहीं बैठा होता और ये अगर एकदम ज़्यादा टच होती तो पलट जाती गाड़ी और चलता हुआ हाईवे था या अगर साइड से टच होने की बजाय फ्रंट से होती मिड से तो नहीं सा, ये साइड से टच होके पलटने के पूरे पूरे चांसेस थे अच्छा तो बचा हो गया और फिर भी मन में ये आई कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ तो, तो, वहां तो वहां पर मतलब... भी आपने हिम्मत नहीं हारी सर मतलब वहां पे कहीं भी आपके जो जो भीशन था जो आपका पैशन था वो उस चीज में कहीं कोई कमी नहीं है आपको आगे बढ़ना था सेकंड इंसिडेंट होने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये आया कि कुछ ना कुछ ऐसा है वो परमात्मा साथ में है चाह रहे हैं हैं कि कि ये चीज चाह रहे ये जर्नी पूरी हो पूरी हो तो उसके बाद में फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जब भी मुझसे कोई पूछता था कि हम कहीं खड़े करते थे गाड़ी तो लोग आगे पूछते थे भी कौन ड्राइव कर रहा है तो मेरे लड़के जो थे वो बोलते थे कि वो सर हमारे वो ड्राइव कर रहे हैं तो जब मेरे पास वो आगे लोग पूछते थे कि आर यू ड्राइविंग दिस कार तो मैं बोलता था नहीं तो बड़े हैरान होते थे कि भाई इनके लड़के बोल रहे कि आप कर रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई मैं नहीं कर रहा <laughs> तो मैंने हु इज़ ड्राइविंग दिस कार सो फिर उसने बोला मैं मैं बोलता था कि मैं तो सिर्फ स्टेयरिंग के पीछे बैठा हूँ जो, जो मुझे चला रहा इस पूरे है पूरे प्रोसेस को हाँ, ड्राइव करने वाला तो कोई और ही हाँ, है जो मुझे चला रहा है वो ही गाड़ी चला रहा है राइट राइट एंड right, क्योंकि जब आप उसके भरोसे कोई भी काम करते हो तो कहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कही भी, भी लेते हैं और वो काम भी पूरा करते हैं ठीक है और अपने आप इंस्परेशन मिलती है पर सर ये जो टास्क था ये दिल्ली टू लंदन का आपसे पहले भी ये चीज होती थी या यू वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये अचीव किया नहीं दिल्ली से लंदन तो लोग मेरे ख्याल शायद 1960 से जा रहे हैं ठीक है और मुझे हैरान की इस बात की होती है कि उस वक्त मुझे याद है 79 की बात है जब मेरे को मैं इंस्पायर्ड हुआ जाने के लिए तो 79 में अमृतसर से जो बाघा का बॉर्डर था वो खुला होता था लोग यूरोप से आते थे इंडिया गाड़ियाँ लेके के कैराबैनस ले कर बाइक्स ले कर और आके यहाँ पर कनाट प्लेस में एक रेस्टोरेंट होता था रैम्बल वहाँ खड़ी करते थे रीगल के सामने और रात को फिर अजमेरी गेट पे कैंपिंग पार्क होता था अब वो सब कुछ अब अब हैरानगी की बात है अब वो कैंपिंग पार्क नहीं है ओके okay. तो जबकि उन्नीस सौ उस टाइम पर नाइन में एट्टीज़ में सेवेंटीज़ और सिक्सटीज़ और सेवनटीज़ में सब कुछ था इंडिया में तो लोग तो उस वक्त से आ रहे हैं लेकिन बाद में फिर 80s के बाद जो था वो फिर ये बंद हो गया बॉर्डर्स वगैरह बंद हो गए पाकिस्तान के साथ थोड़े रिश्ते हमारे ठीक नहीं थे right. तो वहाँ से लोगों ने आने बंद कर दिया चाइना से भी कुछ नहीं इसका माहौल था तो फिर ये जाके 2000 में कहीं ये जाके दोबारा शुरू हुआ है अच्छा हाँ सो टू थाउजेंड में जब शुरू हुआ तो एक का दुक्का लोग जाते थे एक कंपनी थी वो लोगों को लेके जाती थी गाड़ी में लेकिन जिसने किसने भी किया वो सबने शॉर्ट ट्रिप्स करे तो जो मुझे तो करने के बाद मालूम हुआ कि थर्टी कंट्रीज इन यूरोप इन माई एज चाइनीज सिख जेंटलमैन हैज़ नेवर इतनी कंट्रीज को कहा हाँ किया। किसी सिख ने तीस कंट्रीज और तकरीबन थर्टी थ्री थाउजेंड किलोमीटर का जो जो रास्ता था इंडिया से लेकर लंदन जाने तक का वो शायद किसी सरदार ने पूरा नहीं किया तो कितना टाइम लगा था इस पूरे जर्नी में आपको इसमें 135 दिन लगे थे टोटल 23000 किलोमीटर एंड 33 33000 33, किलोमीटर 33000 किलोमीटर एंड 30 कंट्रीज 145 डेज 145 डेज चार महीने तो सर ये ये जो टाइम था ये मतलब रनिंग टाइम था जो हमने गाड़ी चलाई अच्छा। वैसे हमें इस ट्रिप पे छह महीने लगे क्योंकि हम लंडन में रुके थे इतने हफ्ते वहाँ लंडन में रुके और फिर वापस आए तो, तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे था सर कि जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो एक जैसे टारगेट है कि मुझे इतने दिन में कवर करना है एक होता है कि आपने पूरा एंजॉय करते हुए उस चीज क्योंकि आपको रास्ते में बहुत सी लोकेशंस आएंगी बहुत सी ऐसी जगह आएंगी जब आपका मन करेगा रुकने का तो फिर वो एक स्ट्रेच भी उस हिसाब से लंबा होता जाएगा आपका ड्यूरेशन जो टाइम है ट्रैवल का हाँ और मैं जो आपको एक सौ पैंतालीस दिन बता रहा हूँ ये मै हम रुकते रुकाते गए थे हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई आज इतने हज़ार किलोमीटर या इतने पूरा करें नहीं जब मन जहाँ आया रुक गए जब मन आया चल दिए जितने जितने किलोमीटर चले जहाँ रुकना था वहाँ रुक गए ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हम सोच के चले थे नहीं है शाम तक यहाँ पहुँचना है जहाँ मर्जी आए कोई चीज लगी वहीं रुक गए

परमिशंस का और चाइना की सात लाख साठ हज़ार रुपये तो चाइना क्रॉस करने का लग गया था सात लाख साठ सात लाख साठ हज़ार रुपये एक जो फिक्स कॉस्ट थी वो लग गई दो लाख पैंसठ हज़ार रुपये गाड़ी वहाँ से लंदन से इंडिया शिप करने के लग गए वो रिटर्न में हाँ तो, थीक तो, थीक तो, 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 तो दस ग्यारह लाख रुपया फिर वापसी की फ्लाइट की टिकटें थी डेढ़ लाख रुपये की वो हो गई ठीक है तो तकरीबन ग्यारह बारह लाख रुपये तो ऐसी कॉस्ट है जो आपकी फिक्स कॉस्ट है आप कुछ भी करो आपको लगनी लगनी है उसके बाद जब टोटल खर्चा हमने देखा तो तकरीबन चालीस लाख रुपये का टोटल खर्चा आया था तो अगर कोई बाई कार जो है डेलीटो लगन जाना चाहता है तो अगर आप सारे एक्सपेंसिस जोड़े वीज़ा एक्सपेंसिस हो गए परमिट्स हो गए या आपके और भी मिसलेनियस हो गए तो ये सारी चीज़ें मिला के एक आप मान के चलिए चालीस लाख रुपए है एक गाड़ी के करीब जो खर्चा आएगा आपका दो नहीं, मैंने चालीस लाख खर्च करे इसलिए क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट ट्रिप था अब मैं किताब भी लिख रहा हूँ हाउ यू कैन ट्रेवल फॉर फ्री अच्छा हाँ कि फ्री से मतलब ये है कि स्पॉन्सरशिप कॉस्ट तो आपकी आती है कि आपको कैसे अब लोग आपको स्पॉन्सर करें और कैसे आप अपने जेब से बिना पैसे लगाए और स्पॉन्सर के थ्रू कैसे जा सकते हैं और अगर स्पॉन्सर नहीं भी हो तो भी आप तकरीबन अगर ख़ुद आप ड्राइव कर रहे हैं और वाइजली ड्राइव करें हम लोग तो होटल्स में ठहरे थे एयरबीएनबी का एन अपार्टमेंट्स में ठहरे थे आप अगर कैंपिंग करके जाएं खाना खुद बनाएं तो, तो, तो की तो, और चार लोग एक गाड़ी में जाएं मिनिमम तो चार लोगों की कॉस्ट और सेव होती है तो तकरीबन दिल्ली से लंदन अगर आप जाएं और 25 तीस पच्चीस तीस हज़ार किलोमीटर का सफर तय करें और चाइना से ना जाएं क्योंकि चाइना की वो सात लाख साठ हज़ार वाली जो है वो कॉस्ट वो रिली किलिंग है हाँ, तो वो एक्चुअली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ की तरह से पड़ती तो है तो आप कम से कम पच्चीस लाख रुपए में बीस से पच्चीस लाख रुपए में पूरे आराम से इस चार बंदे ट्रिप कर सकते हैं ठीक अच्छा सर कार पे आते हैं आपकी अब ये एक फॉर्चुनर तो कोई छुपी चीज़ नहीं है कि टोइटा फॉर्चुनर एक रिलायबल कार है बट जैसे हमने एक रिव्यू और भी किया था तो कोई अगर सीडा में या हैचबैक में या छोटी गाड़ी में जाना चाहें तो आप कितना रेफर उनको करेंगे रेकमेंड करेंगे कि भाई किसी भी कार को ले जाया जा सकता है या आपको इसके मामले में भी थोड़ा सा सिलेक्टिव होना नहीं उसके लिए मैं मेरा मानना यह है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि गाड़ी कौन सी है इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है कि गाड़ी के को चला कौन रहा है इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी के जो पीछे बैठ के चला रहा है स्टेनिंग के उसका हौसला कितना है राइट right. आप कुछ भी ले तो सकते हो हाँ। आप व, मेरे को एक दिन पंजाब से फोन आया कि सर असि तो प लंडन जाना चाहते थोड़ी एडवाइस चाहिए मैं क्या दसो जी मैं पैसे लैं एडवाइस देने दे, मैं तुम दस सकना तो वो कहें जी असी ट्रैक्टर लैके जाना है दैट वॉज अ वेरी गुड आइडिया कि ट्रैक्टर पर आदमी यहाँ से जाए और पीछे अपना ट्रॉली में अपना बना रहने वरहने का सब कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो लोग बड़े अलग अलग तरीके से जाना चाहते हैं एक बंदा मेरा जानकार है वो लंदन में था इंजीनियर था उसमें बंगलौर में तो वो अपने थ्री व्हीलर में सोलर पैनल लगा के वो थ्री व्हीलर अच्छा? से जर्मनी चला गया ओके okay. तो ऐसे भी <laughs> हैं लोग बाइक्स पर भी जा रहे हैं साइकिल पर भी जा रहे हैं पैदल भी जा रहे हैं छोटी गाड़ी लेके भी जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो वो नहीं है लेकिन अगर अब ये पूछा जाए कि अगर आप तो नॉर्मल अगर सड़कों पे जा रहे हैं तो इशू नहीं है हाँ अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है और आपको ऐसे ऑफ वाले रस्तों पे जाना है और स्नो जहाँ है वहाँ जाना है तो उसके लिए फिर आपको कम से कम ये चाहिए एस चाहिए सेडान से काम नहीं चलेगा जो थोड़ी ऊपर हो और फोर बाई फोर हो फोर बाई फो सर ये अब ये नेक्स्ट है कि हर तरीके की रोड्स आएंगी हर तरीके के रास्ते हाँ, अगर खास तौर से अगर आपको अगर ऑफ़ रोडिंग करनी है तो अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है और सीधा सीधा रस्तों से जाना है तो फिर आप किसी भी गाड़ी से जा सकते हो तो आप जो पूरी जर्नी है वो एक सीधे रस्ते से भी कवर की जा सकती है, है यहाँ से लेकर लंदन रास्ता सीधा है लेकिन कुछ रास्ते जैसे हम लोग नेपाल के थ्रू गए थे तो नेपाल में थोड़ा इशू था क्योंकि वो हमने जो मुझे याद है कि वो रास्ता जो था वो आठ साल के बाद खुला था और तकरीबन एक किलोमीटर का रास्ता तय करने में हमें दो दिन लग थे क्योंकि इतना बारिश थी लैंड था तो पहाड़ गिर रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा लगा थोड़ा किर्गिस्तान था वो हाँ। कि टाइप का एक, एक तो थोड़ा किर्गिस्तान में इशू था तो वहाँ पर भी सड़कें एक थोड़ी सी खराब थी तो पर फिर भी अगर आपकी छोटी गाड़ी भी है ऐसी नहीं है कि आप नहीं जा सकते नहीं कर सकते हो तो फिर आपको एस यू भी चाहिए फोर बाई फोर सर एक एक चीज़ और जैसे एक फेयर ऑफ अन भी होता है जैसे कोई पहली बार बाहर जा रहा है तो एक फेयर ऑफ अन है आपको पता नहीं है कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा या दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ की कंडीशन आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है वीजा का एक इशू आ सकता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लान अब आप आपकी बुक आ रही है उसमें सब चीज़ें मैंशन होंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी तकरीबन बावन वीडियोज़ हैं जो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उसमें सब सब चीज़ें दी हुई हैं ठीक है और किसी ने अगर स्पेशलाइज अगर पूरा ट्रिप उसे डिज़ाइन कराना है और हर चीज़ चाहिए तो उसके मैं डेढ़ लाख रुपए चार्ज करता हूँ वो कंसल्टेंसी आप सर से ले सकते हैं आ, आप मुझसे ले। अदरवाइज अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आ, उसकी सारी वीडियो सर के चैनल पे। हाँ, है। वो लिंक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो सर एक सैम्पल चैप्टर के पॉइंट पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहें इंफॉर्मेशन तो ये है कि आप ये ट्रिप के लिए तीन चार चीजें चाहिए